हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत लेट हो गया क्योंकि मेरी आज तबीयत सही नहीं थी। मेरे गर्दन में दर्द है क्योंकि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, तो आज मेरे उसका ही दर्द मेरा बढ़ गया है। पर कोई बात नहीं, आप लोगों से बात करना कहाँ छोड़ सकती हूँ मैं। इसलिए दिन भर तो मतलब बिस्तर से उठना भी नामुमकिन था, पूरा ये सर पूरा भारी हो रहा है। खैर छोड़िए मेरी बातें, आप लोग कैसे हैं? दुआ करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं, हमारा परिवार भी पूरा अच्छा है। आप लोग से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत 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 सारा प्यार मेरी तरफ़ से। और चलिए मैं आज दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैं अपने फ्रेंड के बेटे के बाल बांध के आपको दिखाऊंगी। मैं दो तरह के बाल बांधना दिखाऊंगी आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं बंगाली एरिया में रहती हूँ, तो बंगाली एरिया में मतलब बाल वाल में जूड़े उड़े बनाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो चलिए आज दिखाती हूँ मैं आपको बाल बांधने का। तो मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड के घर और ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। जैसे कि मैं बोली हूँ 4-5 बजे तक मैं अपने फ्रेंड के घर आती हूँ और उसकी बेटी है ये। तो आज मैं इसके बालों पर दो तरह का हेयर स्टाइल दिखाऊंगी। जैसे कि ये सागर चोटी होता है, तो जैसे सागर चोटी होता है उसी का तरह का कुछ ये चोटी भी होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं गूँथ रही हूँ ऐसे ही गूँथना है आपको भी, और मैं पूरे बालों में ऐसे ही चोटी गूँथ लूँगी। और चोटी गूँथ के फिर मैं इसको डिजाइन में लाऊंगी। ऐसे ही पूरा डिजाइनदार लगता है, फिर उसमें और थोड़ा सा डिजाइन ऐसे खोल खोल के इसका डिजाइन बनाऊंगी। इसको थोड़ा लूज़ कर दूंगी, छोटी को लूज़ करके थोड़ा और मोटे मोटे बना दूंगी। तो मेरे वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा और देखिए इसका फाइनल लुक है। देखिए कितना मस्त लग रहा है, मुझे ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जैसे कि मैं बोली हूँ कि मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। देखिए इसकी छोटी कितनी मस्त लग रही है ना, कैसा लगा नहीं लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये है नंबर 1 हेयर स्टाइल। अब चलिए देखते हैं नंबर 2 हेयर स्टाइल। और फिर से मैंने इसके बालों को फिर से खोल के अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, मतलब कंघा कर लिया बालों में। अब इसका मैं बनाऊंगी पफ। पफ करने से पहले मैं मतलब पफ करने का एक और तरीका भी बहुत अच्छा होता है जो कि बगैर पफ के भी होता है, जो कि बाल को ऐसे करके इसके अंदर से बालों को थोड़ा अंदर से भी ऐसे कंघा से थोड़ा मतलब बिखेर लेना है बाल को, ताकि पफ हमारा बहुत खूबसूरत सा होगा, एकदम फूला फूला पफ होगा, बहुत सुंदर सा दिखेगा पफ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। और देख रहे हैं इसको करके उसके ऊपर से कंघा से अच्छे से इसको शेप में ला देना है और ऐसे करके बालों को मैं क्लिप लगा लेना है। देखो पफ कितना मस्त हो गया है, एकदम ऐसे ही रहेगा, ये बिखरेगा भी नहीं। और इसके बाद मैं साइड से सागर चोटी जैसा चोटी बना लूँगी, दोनों तरफ ऐसे ही करूँगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने सागर चोटी बना लिया है और ये इसकी नानी आ गई बीच में, तो इसकी मम्मी ने इसको भगा दिया कि तुम जाओ सामने से और ये दोनों माँ बेटी मिलके उन्हें भगा दी। और देखो ऐसे ही पूरा सागर चोटी करके और मैं जितना बाल बचेगा उसको पूरा चोटी गूँथ के लगा के फिर दूसरे साइड आ गई, चोटी गूँथ ली मैं। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगी, अब इस चोटी को राउंड राउंड करके मैं एकदम से गुलाब जैसे शेप में ला के इसको पिन कर दूँगी। आप लोग ऐसे भी पिन लगा सकते हैं और ऐसे कांटा भी लगा सकते हैं, इसके पास कांटा नहीं था तो मैंने पिन ही लगाया क्योंकि मैं घर से कुछ लेके नहीं गई थी, ऐसा कुछ मूड बना के नहीं गई थी। और अब ऐसे कर लेना है, जबकि मैं इसको बालों को ऐसे कर लेती फिर ये बोली कि मुझे जो खुले बाल हैं उसको भी कर दो। देखो मैंने ऐसे कर दी थी, फिर ये बोले कि खुले बालों को भी बांध दो, तो फिर मैंने इसके बालों में जुड़ाव बनाना स्टार्ट किया। तो ऐसे थोड़े से बाल लेके रबट लगा के फिर उसी के अंदर से बाल को निकालना है। देखिए मैं ऐसे रबट निकाल के ऐसे रबट को लगा के फिर उसी के अंदर से बाल को घुसा लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे करके बालों को फिर इसी के अंदर से निकालना है। फिर हमें साइड से दो बाल और लेने हैं, फिर उसमें भी रबट लगाना है। रबट लगा के फिर हम वैसे ही करेंगे। देखिए फिर हम इसी को इसके अंदर से घुसा लेंगे बालों को, फिर अब दो ही रबट रहेगा। अब जितने भी बालों को मैं करूँगी उस बालों को ऐसे फोल्ड कर
ऐसे करके फोल्ड करके मेरा पूरा जूड़ा बन जाएगा। और आज की वीडियो अभी इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटिए और इसका फाइनल लुक देखिए। और बस इतना ही देख के, और बोले बाय।